बच्चों, इस वीडियो में हम दो बैलों की कथा का आगे का भाग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे कांजे हाउस में। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला, तृण मतलब एक टुकड़ा भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, मतलब उन्हें पानी जरूर पिला दिया जाता था। यही उनका आधार था, मतलब वह जीवित रहे उसका आधार सिर्फ पानी ही था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा न जाता था, टठरियाँ निकल आई थी, मतलब कि जो हड्डियाँ थी उनकी वो भी निकलने लगी थी, दिखाई देने लग गई थी साफ साफ। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। दोपहर होते होते वह 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते, जैसे ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा। मतलब कि उस दिन नीलामी हो रही थी जानवरों की और लोग उन बैलों को भी देखने आ रहे थे। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उल्टी गोद कर मुंशी जी से बात करने लगा। मतलब कि जो बैल को लेने के लिए एक आदमी आया और दोनों बैलों को ले जाने के लिए मुंशी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, मतलब कि डरे हुए नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक निकले, मतलब कि गया के घर से व्यर्थ ही निकले, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या आप न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा देख लेना, तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। जो आदमी था वह बैलों को इसलिए लाया था क्योंकि वह उनको मारकर उनके जो मांस खाल सींग हड्डी उनको बेच सके। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में, राह का अर्थ है रास्ता, राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था, किंतु सुखी जीवन था कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पर पड़े कैसे दुखी है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है, परिचित मतलब जाना पहचाना। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वह खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे, मतलब जिस जगह वो पहले रहते थे वही रास्ता उन्हें समझ में आने लगा कि ये रास्ता पहले देखा हुआ है। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, ये लो अपना ही हार आ गया, इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआ। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है, मतलब कि नज़दीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़ पड़े, मतलब कि दोनों खुश हुए और घर की ओर दौड़ पड़े। वह हमारा थान है, दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था।
झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल है, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, मतलब कि जो बैल है मैंने मवेशी खाने से लिए हैं। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते होंगे, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल है, मैं बेचूँगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार, मतलब क्या हक? अख्तियार का अर्थ है हक। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बोल बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गाँव के लोग यह तमाशा देख कर हंसते थे। जब दड़ियल हारकर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं वे मारे न छोड़ता। अब न आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे पर मर जाऊँगा, पर उसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देख, देर में नांदों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सह ला रहा था, मतलब प्यार कर रहा था, और 200 लड़के तमाशा देख रहे थे। गांव के जो बच्चे थे वो तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछा सा मालूम होता था, मतलब सभी उन बैलों को देखकर खुश थे। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। जो झूरी था उसकी पत्नी थी, उसको भी अब पछतावा हो गया था कि उसी के वजह से बैल गए थे, और अब उनकी जो हालत थी वो ख़राब हो गई थी। बैल लौट के भी आ गए थे, परंतु अपनी गलती का पछतावा होने के कारण जो झूरी की पत्नी थी वो उन दोनों को प्यार करने लगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा जिस तरह उन दोनों बैलों ने कोशिश की और अपने आप को आज़ाद करवाया, उसी तरह हमें भी प्रयास करते रहना चाहिए। जिस तरह हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी कोशिशों से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो हमें भी हर काम को सोच समझ कर और अच्छे से करना चाहिए, और किसी से भी डरना नहीं चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो बच्चों, ये जो कहानी है दो बैलों की कथा यहीं पर समाप्त होती है।